जीवन का चक्र चलता ही रहता है, किसी के लिए ना रुका है और ना ही कभी रुकेगा। चक्र यहां से घूमना शुरू होता है और उससे घूमकर वापस वहीं आना पड़ता है। बदलता है तो बस समय, और ऐसे ही जब तक हम बदलना नहीं चाहे, हमारे सारे संस्कार और सारे जज्बात जैसे प्यार, सुख, दुख, गुस्सा, नफरत हमारे भीतर और हमारे आसपास नहीं बदलते हैं। किरदारों के नाम बदलते हैं पर फितरत नहीं बदलती। आज से इच्छाधारी नागिन की एक नई कहानी शुरू हो रही है, बस अंदाज थोड़ा अलग है। नाग कन्या, ऐसी कहानी जो दिल छू जाए। नाग कन्या में नागमणि का बड़ा महत्व है। एक तरफ मनुष्यों का लालच है और दूसरी तरफ एक नागिन का प्रतिशोध। इस रोमांच भरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब जिस घर को नागिन बर्बाद करना चाहती है उसी घर से उसे रिश्ता जोड़ना पड़ता है। फिर क्या, यहाँ से इस कहानी का रोमांच और कई गुना बढ़ जाता है। कसम है तुझे आप ही जामे, जो प्यार आपने मुझे यानी राधिका को दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि वही प्यार आप नाग कन्या में अमृता को देंगे। तो चलिए नाग कन्या की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही कुछ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।